शाह मदी मरहबा 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 आ गए आशिक़े मुस्तफा ali 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 शाह दो जहां अली हैं और अली अबू तुराब शाह दो जहां अली हैं और अली अबू तुराब एक इशारे पर पलट जाए अली के आफताब एक इशारे पर पलट जाए अली के आफताब तो वजद में है आसमान आ गया है इस जहां में बोलता हुआ कुरान कैफ में है जो जमी तो वजद में है आसमान आ गया है इस जहां में बोलता हुआ कुरान फूल खिलते जा रहे हैं झूमता है गुलसिता फूल खिलते जा रहे झूमता है गुलसिता जगमगा रहा है देखो दीले हक का आईना अली 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 अली
बहुत खूब इंटरनेशनल टेररिज्म एंड इस्लाम अब हम सवाल और जवाब का सेशन शुरू करेंगे एंड टुडेज टॉपिक इज इंटरनेशनल टेररिज्म एंड इस्लाम इस्लाम और आलमी दहशतगर्दी से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे कर सकते हैं काजी साहब आज आमतौर से मदरसों को आतंकवादी पैदा करने की मशीन क्यों कहा जाता है व्हाई इज इट सो ऐसा क्यों है आज के हालात में मदरसे के माने बदल गए हैं और ये सब हमारी मीडिया की देन है दुनिया में कहीं भी कोई धमाका होता है तो उसे फौरन इस्लामी आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है हाउएवर द फैक्ट रिमेंस देयर इज नो प्लेस फॉर टेररिज्म इन इस्लाम आम लोग ये समझने लगे हैं कि मदरसे में कुरानी तालीम के साथ साथ दहशतगर्दी का भी सबक पढ़ाया जाता है दरअसल ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है दुनिया में कुछ बड़ी ताकतें इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब साबित करने की कोशिश में लगी हुई हैं मगर सच इसके बिल्कुल बरक्स है इस्लाम में तशद्दुद यानी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं इस्लाम को गांधी जी ने भी पढ़ा था और जंग करबला से मुतासिर होकर उन्होंने कहा था कि सत्य और अहिंसा का पाठ मैंने इमाम हुसैन से सीखा बच्चों आज मैं इस्लामी तारीख के एक ऐसे किरदार की कहानी सुनाऊंगा जो बगैर तलवार उठाए अवाम के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ता था और बादशाह वक्त के लिए एक चलती फिरती अपोजिशन था आज से तकरीबन 800 साल कबल शहर बगदाद के लोग उसे बोहलोल दाना के नाम से जानते थे जो आले मोहम्मद का दीवाना था अ डाई हार्ट डिवोटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड हिज डिसेंडेंट्स हर बात तेरी पाक है जात तेरी पाक हर बात तेरी तो करम फरमा है करीम रब्बी अजीम रब्बी अजीम रब्बी अजीम रब्बी अजीम रब्बी अजीम रब्बे अजीम रब्बे अजीम पाक है जात तेरी पाक हर बात तेरी पाक है जात तेरी पाक हर बात तेरी तो करम फरमा है करीम रब्बे अजीम रब्बे अजीम रब्बे अजीम
सुना है बाजी वहाब बिन अम्र का दिमागी तवाजुन खो गया है। तुझे किसने कहा? मैं नहीं, लोग कहते हैं बाजी। तू चुप कर। आप रोइए मत बाजी, अगर आप कहेंगी तो हम लोग खंडर चले चलेंगे। मेरी बगल में ही चलेगा ये मुस्टंडा। आगे आगे चल। ओह बाजी संभल के चलिएगा, यहाँ पर बिच्छू जानवर बहुत रहते हैं। आइए आइए। आइए आइए क्या कर रहा है, अभी तो मैं गिर जाती। उफ बाजी सर संभल के चलिएगा। आइए आइए बाजी आइए। बाजी मुझे तो यहाँ बड़ा डर लग रहा है। हाय अल्लाह बाजी वो रहे। तुम्हारे मामू की इस हालत को देखकर बड़ा तरस आता है, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन समझ में नहीं आता ये माजरा क्या है, ये क्यों इस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। सलीमा मामू जान उठिए, अब जाग भी जाइए, हम आपको घर ले जाने आए हैं, उठिए। आप लोग यहाँ इतने परेशान क्यों हैं? कहीं कैसे आना हुआ? अपना आलिशान आशियाना छोड़कर खंडर की इस पथरीली जमीन पर पड़े हैं, इसके बावजूद हमें पूछते हैं हम परेशान क्यों हैं? चलिए उठिए घर चलिए। ये भी तो घर है, इसमें क्या बुराई है? न हमसाए का झगड़ा, न दरबान की झंझट, न चोर का डर, मैं यहीं ठीक हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आप ही की तो जबान बोल रहा हूँ। शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इलाज की जरूरत है। बीमार तो सभी हैं, क्या खलीफा क्या वजीर, क्या दरोगा क्या कोतवाल, इनमें से कौन है जिसे इलाज की जरूरत नहीं? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। क्या कमी है इस जगह में? खुली हवा, भरपूर रोशनी, खुला आसमां, मेरे लिए तो ये जगह किसी महल से कम नहीं। और हाँ रही इस जमीन की बात, तो क्या बादशाह क्या दरवेश सभी को यहीं दफन होना है, तो भला मेरे लिए क्यों मुनासिब नहीं? मैं कैसे समझाऊं आपको, शहर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, वो समझते हैं आप अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। शायद मेरे अल्लाह और मौला को यही मंजूर हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरी इस दीवानगी के पीछे भी कोई मसलहत है, आप लोग जाइए। एक बार और, बहुत खूब। अल्लाह के वजूद को हम सब मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। और इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? बेशक। तो फिर इमाम जाफर सादिक जो फरमाते हैं कि अल्लाह का वजूद तो हर जगह है मगर हम उसे देख नहीं सकते, भला ये क्या बात हुई? जब अल्लाह का वजूद हर जगह है तो उसे नजर भी तो आना चाहिए। ये क्या कर रहे हो, मिट्टी का ढेला? ए वहाब तू क्या दीवाना हो गया, काजी साहब को मिट्टी का ढेला मारा? अरे हटो, छोड़ूंगा नहीं। ठहर जाओ। आखिर बात क्या है, क्यों मार रहे हो? आप दूर रहो। ठीक है, इसने आपके उस्ताद की बेइज्जती की है ना? इसे मार के कोई फायदा नहीं, ये दीवाना है और खलीफा वक्का रिश्तेदार, बेहतर यही है कि इसे काजी साहब के पास ले चलते हैं। ठीक है चलो। क्यों बहलोल, तुम पर ये इल्जाम है कि तुमने मौलवी इमामुद्दीन पर मिट्टी का ढेला मारा, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? नहीं, इस बात का क्या सबूत है कि मैंने इसे मिट्टी का ढेला मारा? काजी साहब सबूत है हमारे पास, हमारे ये शागिर्द, इसने इन सब के सामने हमारी पेशानी पर मिट्टी का ढेला मारा। क्यों बच्चों, बताओ काजी साहब को, इसने हमारी पेशानी पर मिट्टी का ढेला मारा कि नहीं मारा?
बोलो, मारा है, बोलो। मारा है, मारा है। अगर मैंने ऐसा किया भी तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तू मेरे सवाल का जवाब दे कि तू भी तो मिट्टी का बना है और वो ढेला भी मिट्टी का ही था, तो भला मिट्टी के ढेले ने तुझे क्या तकलीफ पहुंचाई? मैंने अभी अभी तुझे अपने शागिर्दों से कहते सुना है कि इबलीस को जो जहन्नम का अजाब दिया जाएगा वो दुरुस्त नहीं है, वो खुद तो आग का बना हुआ है, तो भला आग उसे कैसे तकलीफ पहुंचाएगी? फिजूल की बातें मत करो। तुमने इतनी जोर से हमें ढेला मारा कि अभी तक हमारी पेशानी पर दर्द हो रहा है। अगर दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता? अरे अकल के दुश्मन, दर्द भी कभी किसी को नजर आता है। अभी अभी तो तू अपने शागिर्दों से कह रहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं खुदा को देखना मुमकिन नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, जो चीज मौजूद है उसे नजर आना चाहिए, तो तेरी पेशानी का दर्द भी तो नजर आना चाहिए। बस बहुत हो गया, चलो बच्चों हटो। अच्छा तो काजी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लोग इसे दीवाना कहते हैं मगर ये बातें तो बड़ी दानिश्वराना करता है। मेरी नजर में ये दीवाना नहीं बल्कि दाना है। दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना। आशिकान पंज तन, आशिकान पंज तन अगल बैत का दीवाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना। सामने से रास्ता हटाओ, सामने से रास्ता साफ करो, आने दो मेरे घोड़े। मेरी घोड़े की लात लग जाएगी, हटो यहां से। यकीन नहीं आता गुलाब कि ये वहाब बिन अम्र ही है। क्या एक अक्लमंद इंसान ऐसी मस्करी कर सकता है? आखिर इसने क्या हालत बना रखी है, कुछ समझ में नहीं आता। ये वहाब बिन अम्र भी एक मुअम्मा है। कभी कभी तो ये बड़ी अक्ल दानिश की बात करता है और कभी कभी दीवानों जैसी हरकतें करने लगता है। यकीन नहीं आता। लेकिन अरे आइए बशीर साहब, मेरे साथ में आइए। आपने गेहूं के दाम तो बताए लेकिन शक्कर के दाम जिब्रान, क्या मुझे तो बहलोल पर शक हो रहा है। कैसा शक? कहीं ये बादशाह के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा। क्या मुझे घोड़ा दो ना। अच्छा बच्चों, अब मैं और मेरा घोड़ा दोनों आराम करना चाहते हैं, थक गए हैं ना। ए वाहब, क्या तुम्हारा घोड़ा घास खाता है? हाँ, ये घास भी चरने जाता है तुम्हारी अकल के साथ। हट,
क्या वो पानी भी पीता है? हाँ, ये पानी भी पीता है, मगर मेरे बर्तन में नहीं, तुम्हारे खलीफा के पैमाने में। ए वहाब, हमें भी अपने घोड़े की सवारी कराओ ना। खबरदार, कोई मेरे घोड़े के करीब ना आना, मेरे घोड़े का अंदाज शहाना है। अगर किसी को काट खाया या लात मारी तो मुझसे ना कहना। अच्छा बच्चों, अब मुझे अपनी कमर सीधी करने दो, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, चलते हैं। खुदा हाफिज़। अच्छा बच्चों, नमाज का वक्त हो गया है। बोलोल से जुड़े बहुत से वाकयात हैं, आगे की कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। आज 8 रबीउल अव्वल है, नमाज के बाद मुझे जुलूसे जुलजना में भी शरीक होना है। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई रिश्ता नहीं। आज जो कुछ भी पूरी दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ अपने ज़ाती अगराज व मकासद, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, वरना एक इस्लाम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है कि जिसने हमेशा मोहब्बत, अमन, इसार, कुर्बानी का पैगाम दिया है। मज़हब बाद में, इंसानियत पहले है। मज़हब के नाम पर शिवाजी पर हमला करने की खातिर उस वक्त के मुसलमान बादशाह ने अपनी फ़ौज भेजी, अफजल खान, शाइस्ता खान, लेकिन जब वहाँ तो वो लोग शिवाजी को तो नहीं कत्ल कर सके। शिवाजी ने अपने डिफेंस में कत्ल कर दिया अफजल खान को। एक हिंदू होकर के मुसलमान को कत्ल किया तो उसको उसके मज़हब के तरीके से दफन कराया, लेकिन वो कैसे वो मुसलमान थे कि जिन्होंने कलमा तो रसूल का पढ़ा था, लेकिन रसूल के नवासे को कत्ल भी किया, कलमा भी पढ़ रहे थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि रूह नमाज कौन है, रूह कलमा कौन है। रूह कलमा इमाम हुसैन रसूल के नवासे, लेकिन उन्हीं को कत्ल किया 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके, और कत्ल करने के बाद उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए। मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक कौम है कि जो इमाम हुसैन की अदादारी करती है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है वो, उनसे कहीं एक न मिलेगा कि जिसने अपने मुल्क से कोई गद्दारी की हो, चाहे जिस मुल्क में रहता हो। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के रहने वाले, ये तो अपने मुल्क से कई जहतों से, कई वजहों से, कई सबब से, कई कारणों से मोहब्बत करते हैं। वो लोग जो इमाम हुसैन की मजलूमियत का आलम उठाते हैं, क्यों? इसलिए कि ये आलम वफादार का है, वफादारी का दर्श देता है। इसलिए पूरी दुनिया में जो कोई भी इस आलम को उठाता है, जो इसके सामने सर झुकाता है, वो अपना सर तो कटा देगा, लेकिन जिस सरजमीन पे, जिस मुल्क में रहेगा, उससे कभी गद्दारी नहीं करेगा। नारा हैदरी। आते हैं खामोशी है उम्म जान आ जाओ, आते हैं खामोशी है उम्म जान आ जाओ, आते हैं खामोशी है उम्म जान आ जाओ। खामोशी है तुम जाने आ जाओ, आते हैं खामोशी है तुम जाने आ जाओ। बादे असरे आशूरा दर्द हो गया सूरज, शाम के अंधेरों में हाय खो गया सूरज, हर तरफ उदासी है, हर तरफ उदासी है तुम जाने आ जाओ। आते हैं खामोशी है तुम जाने आ जाओ, आते हैं खामोशी है तुम जाने आ जाओ। बदनसीब लैला को उसका कब गुमा होगा, आपको खून में बिस्मिल है उसका नौजवान होगा। क्या मुसीबत आई है, क्या मुसीबत आई है तुम जाने
सच की राह पर चलना सिखाता है। इस्लाम गैरों से भी मोहब्बत करना सिखाता है। जिस इस्लाम के साथ आतंकवाद का नाम जुड़ा है वो इस्लाम असल में इस्लाम नहीं है। बोहलोल भी एक तरह से मुजाहिदे इस्लाम थे। वो अपनी दानिश्वरी से इंसाफ की बातें किया करते थे। वो अक्सर हंसते हंसाते और कभी कभी मजाक में भी बड़ी अकलमंदी की बातें कह जाते थे। धीरे धीरे उनके नाम की चर्चा पूरे बगदाद में फैल गई और एक दिन उनकी शोहरत से जलकर शहर के दरोगा ने अपने आप को सबसे बड़ा अकलमंद होने का दावा कर दिया। मैं जिस गली से गुजरता था ना, हाँ? मेरी दहशत से चूहे बिल्ली छिप जाया करते थे, परिंदे उड़ जाया करते थे। बहुत पहले की बात है, एक बार एक बस्ती से गुजर रहा था। अच्छा? मैंने देखा चारों तरफ अफरा तफरी मची है। एक जंगली हाथी ने कोहराम मचा रखा था। फिर क्या, मैं भी पागलपन के जोश में आ गया। हाथी को पकड़ा, उठाया, घुमाया, उसे फेंक दिया। पर कहां? मीलों दूर जंगल में। जंगल में? लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो जंगल में ही जा गिरा? अरे बेवकूफ, वो जंगली है, जंगल में नहीं तो क्या समंदर में गिरेगा? वो क्या दरियाई घोड़ा है? मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा निशानेबाज शिकारी था। एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, अचानक मेरे सामने एक शेर आ गया। फिर? फिर क्या था, दरोगा ने आव देखा न ताव, निकाला तीर कमान से और छोड़ दिया शेर पर। शेर आगे आगे, तीर पीछे पीछे, शेर आगे आगे, तीर पीछे पीछे, कभी शेर आगे, कभी तीर पीछे, कभी शेर आगे, और तीर जाके रुक गया गुफा पर। क्यों? अंदर नहीं गया भाई, क्योंकि अंदर शेरनी बेपर्दा जो बैठी। ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। बगदाद में इकलौता होशियार आदमी मैं हूँ, जिसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। दरोगा साहब, मैं भी कुछ अर्ज करूँ? बोलो, क्या बोलना चाहते हो, जल्दी बोलो। ये ना चीज आपके दावे को चुटकियों में गलत साबित कर सकता है, मगर ये ऐसी चीज नहीं जिस पर वक्त बर्बाद किया जाए। ये बेवकूफ मुझे क्या गलत साबित करेगा? इसका दावा सुनो। अगर मुझे इस वक्त जरूरी काम ना होता दरोगा, तो मैं तुझे और तेरे इन चमचों को ऐसा झटका देता कि ये सब ही जिंदगी भर याद रखते। ठीक है, मैं यही बैठा हूँ, तुम अपना काम करके आओ और दावा साबित करो। अपने दावे से नमु करिएगा दरोगा, मैं झट गया, पट आया और यूं साबित किया। मैं यही मिलूंगा तुम्हें, जाओ। दारोगा साहब, 2 घंटे गुजर गए, वो पागल अभी तक आया नहीं। अब इंतजार करना बिल्कुल बेकार है, वो खेलने लगा होगा गली में कहीं बच्चों के साथ। ए, हम सब गए तो नहीं, जाना था तो नहीं तो और क्या बताएं? जनाब, मुझे लगता है बहलोल ने आपको भी। तुम्हारा मतलब है कि वो दीवाना मुझे बेवकूफ बना गया? जी। उसकी इस हरकत की मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि सारा बगदाद याद रखेगा। तुम लोग खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम नहीं गए, कुछ काम नहीं है क्या तुमको? मुझे तो बहुत काम है, तुझे नहीं है, तू जा दरोगा कहीं का। ए, चलो, बड़ा आया। ए, पागल,
दोबारा बगदाद की गलियों में नजर मत आना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एक आदमी पर जुल्म हो रहा है और आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं। जाइए यहाँ से। भाई सब ठीक हो जाएगा। खुदा ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। मैंने बेटे के लिए दुआ की थी और उसने हमारे घर में बेटी भेज दी। सुनो, अगर कोई मुझसे मिलने के लिए आए या मुलाकात करने के लिए आए, मुबारकबाद देने के लिए आए, तो उससे साफ साफ कह देना कि हमारी तबीयत अलील है जी। हम किसी से मिलना नहीं चाहते। मगर जो आ गए हैं उनसे क्या कहोगे? इशाक बिन मोहम्मद को वहाब बिन अम्र का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है लड़की की पैदाइश के सबब आप बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया है। ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे कबीले में लड़की की पैदाइश भाई से शर्म की बात है, क्योंकि नस्ल हमेशा लड़कों से चला करती है। लड़कियां हमेशा वालदेन के कांधे पे बोझ की तरह होती हैं। आपका नजरिया बिल्कुल गलत है। हमारे पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के घर भी बेटी पैदा हुई थी, मगर उन्होंने तो कभी अपनी बेटी से नफरत नहीं की। जनाब फातिमा जहरा आले सलाम की आप बेहद इज्जत करते थे, उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में नबी का सलाम आता है। बेटी खुदा की रहमत होती है इशाक। जरा सोचो तो, अगर इस खूबसूरत सी बच्ची के बजाय अल्लाह ने तुम्हें मुझ जैसा पागल दीवाना बेटा दिया होता तो क्या करते? नहीं 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 नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, आपने हमारी आंखें खोल दी। ऐ अल्लाह, ऐ पालने वाले, तूने बहुत बड़े गुनाह को करने से मुझे बचा लिया। बेटी बेटी। हाय अल्लाह, कितना अच्छा है तू, ले रख ले। सलाम बोलो। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं रख ले, तेरे काम आएगा। शुक्रिया शुक्रिया। आजकल बहलोल बहुत दानिशमंदी की बात करने लगा है। वो रहा बहलोल। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है बहलोल, आजकल तुम्हारी दानाई के चर्चे गली गली गूंज रहे हैं। जो आले मोहम्मद का दीवाना हो जाता है दानेश्वरी उसके हिस्से में आ ही जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बहलोल कि तुम जमीन और आसमान दोनों जहाँ की भी खबर रखते हो। मैं हर उस चीज की खबर रखता हूँ जिसकी खबर तुम्हारे खलीफा को नहीं है। फिर तो तुम्हें इस बात की भी खबर होगी कि खुदा ने शैतान को किस शक्ल में पैदा किया है। क्या तुमने कभी शैतान को देखा है? शैतान को तो मैं अब भी देख रहा हूँ। भाई शैतान को तो हम भी देखना चाहते हैं, जरा हमें भी दिखाओ। शैतान को आप इस पानी में देख सकते हैं या घर जाकर अपने आईने में। इसने हम दोनों को शैतान कहा है। इसकी शिकायत बादशाह से करनी होगी। बा अदब बा मुलायजा होशियार, खलीफाए वक्त हारून रशीद तशरीफ ला रहे हैं। वजीर मुमलिकत, अस्सलाम अलैकुम। हम बहलोल के बारे में जानना चाहते हैं। सुना है वो दीवाना हो चुका है। जिल्ले इलाही, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। मुझे तो बहलोल की खाक नशीनी के पीछे कोई साजिश लगती है। कैसी साजिश? लगता है वो दीवानेपन का चोला पहनकर आवाम को आपके खिलाफ भड़का रहा है। आजकल वो लोगों के फैसले भी करता है, जिससे बगदाद के लोगों में उसकी शोहरत बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारी बातों पर यकीन किया जा सकता है क्योंकि बहलोल दोस्तदारे अहले बैत में से है, लिहाजा आज से तुम उसकी हर नकलो हरकत पर नजर रखोगे। आपके हुक्म की तामील होगी।
सुना है बहलोल इसी खंडर में रह रहा है। अच्छा तो चलो चलकर देखते हैं। चलो चाहिए बाबा। खुशबू इतनी अच्छी तो खाना कितना लजीज होगा। या अल्लाह अल्लाह। अरे मुसंडे, खैर चल निकाल मेरी कीमत। कीमत? कैसी कीमत? अच्छा कैसी कीमत? अभी जो तूने तेरे खाने के साथ भाप के साथ रोटी खाई, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? तू चुकाएगा तू। रोटी तो तेरी थी लेकिन भाप किसकी? मेरी। साजिद नाम है मेरा, साजिद। अगर नहीं दिया ना तो यही पटक कर मारूंगा। अजीब इंसान है आप। भाप तो हवा में उड़ रही थी, हमने रोटी के साथ खाकर दिल बहला लिया तो आपका क्या गया? बस इधर उधर की बातें करके हमें टहलाने की कोशिश मत कर, तेरी जान नहीं बचने वाली। अच्छा? समझा? चल निकाल कीमत। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने, इस गरीब को जाने दो, इसकी कीमत मैं चुकाऊंगा। आप चुकाएंगे? चुका दीजिए कीमत। ये 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 ये। अब खुश? खुश? खा खुश? कीमत तो दी नहीं। यही तो थी तुम्हारी खुशबू और भाप की कीमत। कीमत खाने की होती है। भाप और खुशबू की कीमत सिक्कों की आवाज ही तो होगी। मिल गई ना तुम्हें? ठीक है चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये तो बहलोल है। ये क्या कर रहे हो बहलोल? भला इस एक सोने के सिक्के से खेलने में तुम्हें क्या मजा आता होगा? तुम ये सिक्का मुझे क्यों नहीं दे देते? मुझे दे दो। क्यों? अरे इसके बदले में मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। देखो पूरे 10 हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये सोने का सिक्का देने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या? पहले तुमको गधे की तरह ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालनी होगी। इस दीवाने के सामने गधे की आवाज निकालने में हर चीज क्या है? कम से कम सोने का सिक्का तो मिलेगा। ठीक है मैं तैयार हूँ। तुम तो वाकई में गधे हो। क्या मुझे भी अपनी तरह समझ रखा है जो मैं अपना सोने का सिक्का देकर तुमसे ये पीतल के सिक्के ले लूं? भाई मैं दीवाना हूँ गधा नहीं। क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो अपने अपने काम पे। क्या बात है बच्चों, तुम लोग रो क्यों रहे हो?
मुझे अपनी परेशानी बताओ। मुमकिन है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किसने किया ये धोखा? काजी महमुद्दीन ने। आओ मेरे साथ। आप लोग तो जानते ही हैं कि पूरे बगदाद में अगर कोई ईमानदार, दीनदार और खुददार शख्स है तो वो हम हैं। ऐ इब्लीस की बस्ती में बैठने वालों, क्या तुम्हें रोजे आखरत अल्लाह और उसके रसूल को मुंह नहीं दिखाना है जो इस काजी की हां में हां मिला रहे हो? काजी इमामुद्दीन पूरे बगदाद में सबसे बड़ा बेईमान, मक्कार और शैतान शख्स गर है तो वो तुम हो, समझे? जनाब ये बच्चे आपको कहां से मिल गए? इमामुद्दीन, हुजूर अकरम का कौल है कि यतीम का हक मारना गुनाह अजीम है। अच्छा, तो ये मामला है। ये बच्चे आपको अपना वकील बना कर लाए हैं, मगर आपने सच्चाई जानने की कोशिश की। अच्छा, तो तू ही बता सच क्या है। दरअसल हुआ यूं कि इन बच्चों के मरहूम अब्बा हज पर जाने से पहले मुझे 1000 अशरफियां दे गए और कह गए कि जो दिल चाहे इन्हें दे देना। सो अब मैं इन बच्चों को 100 अशरफियां दे रहा हूँ। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया काजी, जरा फिर से कहना। जो दिल चाहे सो दे देना। गोया तेरा जी 900 अशरफियां रखना चाह रहा है, तो इन्हें दे दे। जी ठीक है, चलो। यतीमों को हक दिलवा रहा है, मुफलिसों के दर्द बांट रहा है, यानी कि बहलोल अपने तरीके से मेरी सल्तनत के खिलाफ जिहाद कर रहा है। अली जा, हमें इस मसले में बड़ी गौर और फिक्र करके सोचना होगा। बहलोल की मकबूलियत अगर इसी तरह बढ़ती रही जहां पना, तो एक दिन वो आपके खिलाफ बगावत का ऐलान भी कर सकता है। मगर तुम लोग फिक्र ना करो, बागियों के सर कुचलना हमें अच्छी तरह आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? भाई आज की खुशी का सबब क्या है? कैसे मुहिब्बे अहले बैत हो बरमक्की, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कितना बड़ा दिन है? आज ही का दिन है जब हमारे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत अली का ऐलान किया था और कहा था, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। आज का दिन हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं बरमक्की। जी आओ मेरे साथ। सलामुलेकुम। सलामुलेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा बंद कीजिए। जी खुशाली अली वाला अली मौला अली अली
अली माला अली अली रे माला अली माला अली 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 माला अली अली रे माला अली माला अली अली फखरे नबी अली अली रूए खुदा अली अली दुख की दवा अली अली दिल की दुआ अली अली मुश्किल कुशा अली अली माला अली माला अली 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 माला अली अली रे माला अली माला अली 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 माला अली अली रे माला अली माला अली अली तुमको खुदा ही ने जाना तुमको नबी ने पहचाना तुमसे हुआ जब गाना उसको बड़ा है पछताना तुमको खुदा ही ने जाना तुमको नबी ने पहचाना तुमसे शेरे खुदा अली अली राजे खुदा अली अली उनसो बिला अली अली इश्को वफा अली अली मुश्किल कुशा अली अली माला अली माला अली 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 माला अली अली रे माला अली माला अली 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 माला अली अली रे माला अली माला अली अली मुश्किल कुशा अली अली माला अली माला अली 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 माला अली अली रे माला अली माला अली 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 माला अली अली रे माला अली माला अली अली फखरे नबी अली अली रूए खुदा अली अली दुख की दवा अली अली मुश्किल कुशा अली अली माला अली माला अली 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 माला अली अली रे माला अली माला अली 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 माला अली अली रे माला अली माला अली अली मन कौन तो माला और इस तरह बहलोल दाना को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ काजी साहब? फिर उन्हें खलीफा के सामने पेश किया गया। अल्लाह 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 बहलोल उठ उठ बहलोल उठ
अल्लाह उठ बोलोन। छोड़ो इसे, क्यों मार रहे हो? आलिजा, ये आपके तख्त पे बैठा हुआ है, किसी तरह से उठने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए हमें थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ी। बहलोल, तुम्हें तख्त पर बैठने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुझे आईना दिखाना चाहता था हारून। मतलब? मतलब ये कि मैं चंद लम्हे तेरी इस तख्त पे बैठा तो मुझे इतनी मार पड़ी, और तू न जाने कब से इस मसनदे शाही पे बैठा है। क्या तुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं हारून? हारून, अगर तू किसी जंगल में भटक जाए और प्यास से तेरा दम निकल रहा हो, तो क्या पानी की एक घूंट की एवज में तू अपनी आधी सल्तनत दे सकता है? बेशक। पानी से प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन अगर तुझे पेशाब रुकने की बीमारी हो और तेरी जान पे बनाए, तो क्या उसके इलाज के एवज में तू बाकी आधी सल्तनत भी दे देगा हारून? बची हुई आधी सल्तनत भी? फिर तुझे किस बात का गुमान है? तेरी बादशाहत की कीमत पानी के दो घूंट से ज्यादा नहीं है हारून। बहलोल, तुम जा सकते हो। ऐ खलीफा वक्त, मौला अली का कौल है कि सल्तनत की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बहुत दूर कर देती है। खुदा हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. The message of Islam was meant not only for Muslims, but for all of humanity. Quran-e-Majeed ka paigham tamam aalam-e-insaniyat ke liye hai. Bomb ke dhamakon se masoomon ki jaan lena Islam nahi sikhata. Islam haq ki raah mein jaan lutane ka naam hai. Isiliye Maula Hussain ne farmaya कि जालिम को तबाह करने के लिए मजलूमियत से बेहतर और मजबूत कोई हथियार नहीं। बहलोल दाना भी अपने तरीके से यही सबक देते थे बगदाद वालों को। और एक दिन तो अजीब वाकया हो गया, वो रेत पर महल बना रहे थे। बहलोल महल बना रहे? बड़ी अजीब बात है। वालेकुम बहलोल। वालेकुम अस्सलाम। बहलोल, ये तुम क्या कर रहे हो? जन्नत में महल बना रहा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम ये जन्नती महल मुझे बेचोगे? क्यों नहीं बहलोल, इस जन्नती महल की कीमत क्या होगी? सिर्फ 100 दीनार। अच्छा, फरजाना जी, इनकी कीमत अदा कर दो। जी मलिका, ये लीजिए आपकी कीमत। क्या हुआ बहलोल, कीमत कुछ कम है क्या? नेकी का काम हमेशा अपने हाथों से करना चाहिए मलिका। अच्छा अच्छा, फरजाना ये लो बहलोल। मुबारक हो, अब ये जन्नती महल तुम्हारा हुआ। शुक्रिया। खुदा हाफिज।
आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आइए आइए, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मैंने ख्वाब देखा, मैंने देखा मैं जन्नत के बहुत बड़े और आलीशान महल में हूँ, जहाँ एक तरफ खूबसूरत नहरें मौजे मार रही हैं, तो दूसरी तरफ खूबसूरत फलों और मेवों के बाग बगीचे हैं, तो किसी तरफ रंग बिरंगी दिलकश गुलशन, तो किसी तरफ खूबसूरत प्यारे प्यारे परिंदे खुदा के हमदो सना कर रहे हैं। इतने में वहाँ एक हूर ने चांदी की तश्तरी में मुझे एक दस्तावेज पेश किया। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये तो उसी महल की दस्तावेज है जो मैंने बहलोल से खरीदी थी, और इतने में मेरी आँख खुल गई। मुझे यकीन है कि ख्वाब की सूरत में एक बशारत है जिसे मैं किसी दीवाने का एक मजाक समझ रही थी। तो बहलोल ने जन्नत में महल बेचने का कारोबार भी शुरू कर दिया है। खलीफाए वक्त हारून रशीद की खिदमत में बहलोल का सलाम पेश है। वालेकुम अस्सलाम। कहिए शहंशाह, इस नाचीज को कैसे याद किया? हमने सुना है कि तुमने एक नया कारोबार शुरू किया है। तो क्या तू भी जन्नत में महल खरीदना चाहता है? मैं महल नहीं, पूरी जन्नत खरीदना चाहता हूँ। मैं तो तुझे जन्नत की एक ईंट भी ना बेचूं हारून। क्यों? क्योंकि जन्नत दौलत से नहीं, नेक अमल से खरीदी जाती है। और वैसे भी तूने मल्लिका के ख्वाब का किस्सा सुनने के बाद जन्नत खरीदने का इरादा किया है, लिहाजा अब जन्नत की कीमत अदा करना तेरे बस की बात नहीं। ताज सुल्तान तख्ते शाही ठोकर में है तेरी, ताज सुल्तान तख्ते शाही ठोकर में है तेरी, कम ख्वाबों से बेहतर तेरी बोसीदा से गुदेड़ी, ताज सुल्तान तख्ते शाही ठोकर में है तेरी, कम ख्वाबों से बेहतर तेरी बोसीदा से गुदेड़ी, से होते हैं हाकिम हक्के बक्के, तेरी मंतिक से छूटे हैं मंसूबों के छक्के, फिक्रपन का अदलो हक का तू गए एक अफसाना, सारी दुनिया तुझको बोले दीवाना मस्ताना, दीवाना मस्ताना दाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों इस दीवाने को जवाब दे रहे हो? आप चुप रहिए। तूने चाहा उसे जन्नत दे दी, जिसे तूने चाहा उसे जन्नत दे दी, आले इम्रा के शहदाई रब तुझसे राजी, जिसे तूने चाहा उसे जन्नत दे दी, आले इम्रा के शहदाई रब तुझसे राजी, तेरा हम सर ना कोई ना कोई तेरा सानी, हो गए अच्छे अच्छे भी तुझसे पानी पानी, मकर शर ने दुष्टो दू ने तेरा लोहा माना, कोई तुझसा न दानेश्वर न कोई फरजाना, न कोई फरजाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना। खलीफा की बातें सुनकर दिल आजीज हो चुका है। सब्र करो बरमक्की, इन्नल्लाह माज़ साबरी, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। भरोसा रखो अल्लाह पर। क्या करूं,
अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब हंसो हंसो। सही फरमाया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। दाना 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 बगलोल दाना, 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 दाना 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 बगलोल दाना। दूर हटो, ये मेरा घोड़ा है, नहीं दूंगा कोई इसके पास, बताओ चल मेरे घोड़े। कैसे बच्चों के साथ बच्चे बने हैं ये? कौन कहेगा इन्हें ये वहाबे नम्र हैं? मुझे नहीं मालूम। ऐसा मत कहिए, इस हुलिये में भी एक राज छुपा है। जनाब जनाब पूरी बात तो बताते जाइए। कौन सी बात, मैं कुछ नहीं जानता। आप बेफिक्र रहिए, मैं भी अहले बैत का दोस्त हूँ। आप तो खामखा मेरे पीछे पड़ गए भाई। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता। रब्बुल इज्जत की कसम। मैं भी अहले बैत का दोस्त हूँ और मुझे सही राह दिखाइए। अब मुझे यकीन हो गया, आइए इस तरफ। दरअसल बात ऐसी है कि इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम को खलीफा ने कैद कर लिया है। जी हाँ, क्योंकि इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम खुद ही आले मोहम्मद में से हैं और बहलोल अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। हाँ, इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम को इस बात का मुकम्मल इल्म था कि ऐसा ना हो कि अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला बहलोल उसका कहीं कत्ल ना हो जाए। इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि दीवानगी का लबादा ओढ़कर वो अपनी ज़िंदगी बसर करे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लिहाजा आप ये मंजर देख ही रहे हैं। अजीब मसला है, कैसे हल किया जाए समझ में नहीं आता। अल्लाह ही मदद करे तो बेहतर है। या अल्लाह मदद। काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, आपने इस नाचीज को कैसे याद किया? बहलोल, एक अजीब मसला दरपेश है जिसे हल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं जानता हूँ तुम मोहिब आली मोहम्मद हो, खुदा ने गैर मामूली अक्ल व ज़हन से तुम्हें नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अगर इस मसले पर मैं कोई फैसला ना दे सका तो मेरे लिए ये बड़ी जिल्लत की बात होगी। जिसके साथ खुदा होता है हक की रोशनी भी उसी के साथ होती है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि हक पसंद इंसान कभी जलील नहीं होता। अल्लाह ने चाहा तो आपकी मुश्किल जरूर आसान होगी इंशाअल्लाह। मैं जैद बिन सत्तार, बाशिंदा शहर बगदाद, इस तहरीर इकरार नामे के जरिए इकरार करता हूँ। सौदागर जैद बिन सत्तार जी, शर्त के मुताबिक तुम यहूदी का कर्ज मुकर्रर वक्त पर नहीं अदा कर सके, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? जी हाँ, मैं मानता हूँ। क्यों यहूदी, अब तुम क्या चाहते हो? हमारे दरमियान ये शर्त तय हुई थी कि वक्त पर मेरा कर्जा ना लौटाने पर मैं इसके जिस्म से, जिस्म के किसी भी हिस्से से एक शेर गोश्त काट सकता हूँ। लिहाजा अब मैं एक शेर गोश्त काटना चाहता हूँ। ठीक है यहूदी, तुम अपनी शर्त पूरी कर सकते हो। लेकिन बहलोल। खामोश रहो सौदागर, तुम्हारे साथ सही इंसाफ होगा। काजी साहब, बहलोल, काजी साहब, बहलोल। ठहरो यहूदी, ये ख्याल रहे कि शर्त सिर्फ एक सेर गोश्त की हुई है, न कम न ज्यादा, और हाँ न ही खून का एक कतरा निकलने पाए। एक सेर से ज्यादा गोश्त या खून की एक बूंद भी निकली तो तुम खुद भी सजाए मौत के लिए तैयार रहना।
अल्लाह तेरा शुक्र है। अशरफियाँ बहलोल के किस काम आती है? वो तो बेचारा दीवाना है। अब हम ये जूते सिलने का कारोबार छोड़कर इन चुराई हुई अशरफियों से नया कारोबार शुरू करेंगे। ठीक कहते हो भाई, बगदाद के बड़े लोगों में हमारा भी शुमार होगा और हमारी भी इज्जत होगी। ठीक कहा तुमने भाई, दुनिया में इंसान की इज्जत उसकी दौलत से ही तो होती है। मैं आप लोगों से एक मशवरा करने आया हूँ। मशवरा? और हमसे? सारे बगदाद के लोग तो अपने मसलों पर आपसे मशवरा करते हैं और आप हमारे पास आए हैं, ये तो हमारे लिए फख्र की बात है ना? तुम तो जानते ही हो कि मैं खंडहर में रहता हूँ और अपने बुरे वक्त के लिए कुछ अशरफियाँ संभाल के मैंने जमीन में दफन कर रखी हैं। अब आप ही गिन के बताइए कुल मिलाकर ये कितनी होती हैं। शहर के मशरकी वाले खंडहर में तकरीबन 125 अशरफियाँ और शहर के मगरबी गोशे वाले खंडहर में 100 अशरफियाँ, कब्रिस्तान में 75 अशरफियाँ और हाँ घर के सहन में 50 अशरफियाँ और नहर किनारे भी मैंने 50 अशरफियाँ रखी हैं। तो ज़रा जोड़ के बताइए मुझे कि कुल कितनी होती हैं ये अशरफियाँ। तब तो आप 400 अशरफियों के मालिक हुए। जनाब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम अशरफियाँ निकाल कर खंडहर में कहीं छिपा दूँ ताकि तमाम रकम एक जगह रहे। इससे चोरी का खतरा भी कम होता है और कोई चोर हमारे खंडहर में चोरी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया। ठीक है तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले तुम ये अशरफियाँ ले जाकर वही खंडहर में दबा दो। इन बदमाशों से बचाने के लिए मुझे ये अशरफियाँ कहीं और छुपानी पड़ेंगी। बहलोल मुझे भी दो। देता हूँ भाई, देता हूँ, सब्र करो। लो ये तुम भी दे रहा हूँ। लो लो तुम भी लो। बहलोल मुझे भी दो। लो भाई ये तबर्रुक बच्चों में बांट दो। क्या बात है बहलोल, आ जाओ बच्चों। ये खजूर किस खुशी में तकसीम कर रहे हो भाई? भाई हमें भी दो। बहलोल आज आपकी खुशी का सबब क्या है? क्या तुम मुसलमान हो? बेशक, सभी जानते हैं हम मुसलमान हैं। तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। क्यों? जिसे अपने पैगंबर की तारीख विलादत का पता ना हो मेरी नज़र में वो मुसलमान नहीं हो सकता। आज के दिन इस सरजमीन पर उस अजीम पैगंबर की आमद हुई थी जो वजह खिलकत कायनात है और खातिमुल अंबिया भी। आज के दिन तो हर आसमान पर फरिश्ते खुशी के कसीदे गा रहे हैं। रिश्ता टूट आपका, जाते
जमी नूर आसमानूर हर जगह नूर कहे कशानूर जमी नूर आसमानूर हर जगह नूर कहे कशानूर नूर ही नूर अल्लाह नूर रसूलुल्लाह नूर अल्लाह या मोहम्मद 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 या मोहम्मद 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 या रसूले खुदा या मोहम्मद या मोहम्मद 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 या रसूले खुदा या मोहम्मद या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी आप ही से जमाने की है हर खुशी या नबी या नबी या नबी या नबी आप ही से तो होठों पे खेले हंसी या नबी या नबी या नबी या नबी आप पर अपनी कुर्बान है जिंदगी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी يا محمد 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 يا رسول خدا يا محمد يا محمد 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 يا محمد 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 प्यासे थे बहुत सूखी थी अस्हाब की ज़बान तशना लबी से आंखें हुई थी धुआं धुआं प्यासे थे बहुत सूखी थी अस्हाब की ज़बां तशना लबी से आंखें हुई थी धुआं धुआं आई आई हुदैबिया में जो पानी की मुश्किलें और बन गई थी मोहम्मद की रोशन बरात आप ही से जहां को मिली है हयात आप ही के लिए तो बनी कायनात 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 बन गई कायनात बन गई कायनात आपसे है सितारों की रोशन बरात आप ही से जहां को मिली है ही के लिए तो बनी कायनात बन गई कायनात बन गई कायनात आप ही से तो ईमान की है रोशनी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या मोहम्मद 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 या रसूले खुदा बच्चों इम्तिहानात नजदीक आ चुके हैं आप लोग पूरी लगन से और मेहनत से तैयारी कीजिए और जहन से निकाल दीजिए कि आप फेल होंगे या पास और पूरी हिम्मत से लगन से तैयारी कीजिए इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी क्योंकि हिम्मत मर्दा शाबाश अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम चतुर्वेदी जी संजय मिश्रा हैं नेशनल टीवी के रिपोर्टर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं आइए 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 आप लोग बैठिए बच्चों बैठने दो इन्हें आप लोग तैयार हैं हाँ बस एक मिनट बैठिए अरे जरा ये हाँ सब रेडी है ना यस भैया हम रेडी है शुरू करें यस रोलिंग बैठिए मिश्रा जी जी फरमाइए मिश्रा जी मैं तो आपकी शख्सियत से वाकिफ हूँ लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग आपको देखेंगे और सुनेंगे इसीलिए मैं चाहता हूँ पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए उसके बाद मैं आपसे आज के हालात पे बात करूंगा जी मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ या परिचय ये है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ पहले आप हिंदुस्तानी हैं या मुसलमान
मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, बाद में मुसलमान। और वो इसलिए मिश्रा जी क्योंकि इंसान की पहली पहचान उसकी जन्मभूमि होती है। His birthplace is always his first identity. मजहब तो बाद में उसकी जिंदगी में दाखिल होता है। आप पहले मुसलमान हैं जिसने ऐसा जवाब दिया है। देखिए, मैं यहाँ ये भी एक्सप्लेन करता चलूं कि मैं इस मदरसे में कुरान की तालीम देता हूँ, लेकिन ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। मैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज में हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और गांधी जी पर मेरी डॉक्टरेट है। हिंदू या ईसाई या किसी मजहब को मैं नफरत की नजर से नहीं देखता। इट्स ए मिसकंसेप्शन अबाउट इस्लाम दैट प्रॉफिट मोहम्मद स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्लाह यूजिंग द फोर्स ऑफ सोर्ड। इस्लाम इखलाक और मोहब्बत का मजहब है जो दुश्मन को भी गले लगाने का सबक देता है। दैट्स राइट। दिल्ली के जामा मस्जिद में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद पाकिस्तान में मौलवी ने मस्जिद समेत खुद को उड़ा लिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसी मस्जिद में धमाका करने वाला मुसलमान तो नहीं हो सकता। तो आप ये सोचते हैं इन सब के पीछे किसी हिंदू संगठन का हाथ है? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मस्जिद में खून बहाने वाला अगर कोई मुसलमान है तो वो मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं। एक आखिरी सवाल, तालिबानी दुनिया के सामने जो इस्लाम की तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्या वो सही इस्लाम है? नो, वी स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट द तालिबानाइज्ड वर्जन ऑफ इस्लाम। कितने अफसोस की बात है मिश्रा जी कि अल्लाह एक, पैगंबर इस्लाम एक, कुरान एक, लेकिन मुसलमान, मुसलमान एक नहीं, वो मुख्तलिफ खानों में बटे हुए हैं। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। डॉक्टर अली मोहम्मद, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। अरे नमस्ते नहीं, गले मिलिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो बोलोल दाना का दिल मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत से सरशार था। उनकी जिंदगी का सफर रोशनी की सिमत जारी था। बोलोल दाना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? यस सर, फाइन, थैंक यू। बोलोल दाना अपने वक्त के एक चलते फिरते दर्जगाह भी थे। किसके दरवाजे के कतबे पर कौन सी इबारत लिखाई जाए? अरे मुनीर भाई, ये भी कोई सवाल है? मस्जिद मैंने बनवाई है तो जाहिर है नाम भी मेरा ही लिखा जाएगा। बेशक जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बोलोल। क्या आप इस दीवाने को ये बताने की जहमत फरमाएंगे कि ये मस्जिद आपने किसके लिए बनवाई? अल्लाह की इबादत की खातिर बनवाई है। अरे तो भाई, इस पर अपना नाम क्यों लिखवा रहे हो? बोलोल, आखिर लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए कि इस मस्जिद को बनवाने वाला कौन है। बरमक्की, अल्लाह के घर पे अल्लाह ही का नाम अच्छा लगता है। तुम इस कतबे पर अपना नाम लिखवा कर कायम नहीं रहने वाले हो। दायम व कायम रहने वाली सिर्फ एक जात है, अल्लाह की जात। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, समझे भाई? भाई बात तो है। बोलोल ने बात दुरुस्त की है। देखो चाचा उसे कैसे मार रहे हैं। क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, भागो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक शरीफ आदमी को सताते हुए? क्या तुम्हें खौफ खुदा नहीं? चलो जाओ यहाँ से। भाई आप अजनबी मालूम होते हैं। बच्चों ने जो आपके साथ किया वो तो मैंने देखा, अब आप मुझे बताएं कि बात क्या है। भाइयों, सफर पर जाने से पहले मैंने अपने जेवरात और 10,000 अशरफिया साई सोनार के पास अमानत रखी थी। आज उसने मुझे
मेरे अमानत देने से मुकर गया और मुझे पागल बताया। बच्चों को मेरे पीछे लगाकर मुझे पत्थर से पिटवाया। भाई मुझे बड़ा अफसोस है कि बगदाद में आपके साथ इतना बुरा सलूक हुआ। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी अमानत दिलवा कर रहूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी जिंदगी आपके लिए दुआ करूंगा। या अल्लाह, सब्र से काम लीजिए। आप आपके लिए आइए मेरे साथ। मैं सारी जिंदगी ये लीजिए, देखिए। ये ठीक नहीं है, दूसरा दिखाइए। दूसरा नहीं है, शाम को आइएगा। आपकी दुकान में कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद मियां। वालेकुम अस्सलाम। कहिए जनाब, आना कैसे हुआ? आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बात? हाँ बताइए जनाब, फरमाइए। दरअसल मैं कुछ अरसे के लिए हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। इस सफर से पता नहीं मैं लौटूं या ना लौटूं, और रास्ते में चोर डाकुओं को खतरा भी होता है। हाँ वो तो होता है। लिहाजा ये 40,000 अशरफियां मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है जी। इसे बतौर अमानत आप अपने पास रख लीजिए। दीजिए। अगर मैं वापस आया तो ले लूंगा, नहीं तो आधी रकम मस्जिद में दे दीजिएगा, आधी रकम गरीबों में, और बाकी की रकम आप रख लीजिएगा। ठीक है ठीक है, आधी रकम गरीबों में, आधी रकम मस्जिद के लिए, बाकी की रकम मैं रख लूंगा। जाहिद मियां आदाब। ये मुसीबत कहां से अटपकी? मैंने जो अमानत आपके पास रखी है बराए करम वो इनायत फरमा दीजिए ना। अगर मैंने इसकी छोटी रकम वापस ना की तो बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ेगा। अरे जनाब, आपकी अमानत बिल्कुल महफूज है, जैसे माँ के पास बच्चा। हम कभी अमानत में खयानत कर सकते? नहीं, अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं कर सकते। बेटा मोइनुद्दीन जी, इनकी अमानत देना। लीजिए। बहुत 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 शुक्रिया। आपकी ईमानदारी के किस्से सुनकर तो शैतान भी ईमान ला सकता है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अच्छा जाहिद मियां, मैं भी चलता हूँ। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन खुदा एक काम करना, इस पहलू को कभी वापस ना भेजना। अगर गलती से आ जाए ना तो इसकी याददाश्त मिटा देना। हजार अशरफिया, 40,000। ये सब मेरी है, 40,000 अशरफिया। बालो, क्या हुआ अबू, क्या हुआ, क्या हो गया? लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे इससे क्या बात? जाहिद मियां, क्या बात, क्या हुआ, क्या हुआ? अशरफिया, क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? दुकान लूट गई? हाँ हाँ, तू बर्बाद हो ही जाएगा। अगर ऐसे ही बेईमानी पर तुला रहा तो खुदा तुझे एक दिन बर्बाद कर ही देगा। चुप, तू मेरा ही खाता है और मुझे ही बददुआ दे रहा है कि तू बर्बाद हो जाएगा। अरे तू इसी लायक है। साजिद नाम है मेरा, साजिद। बेगैरत, अगर नहीं दिया ना बेईमान तो यहीं पर टक्कर मारूंगा। लूट मार करता है। अरे भाई बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या हुआ, तुम लोग लड़के हो रहे? आप ही फैसला कीजिए जनाब। चार रोटी और एक भुनी मुर्गी की कीमत 1,000 दिनार मांग रहा है ये। जनाब बात कुछ और है। इन हजरत ने 1 साल पहले 1 मुर्गी और 6 अंडे बड़े खुश होकर जम कर खाए थे। ठीक है, अब आप ही बताइए, अगर वो मुर्गी जिंदा होती और उसके नीचे 6 अंडे रख दिए जाते तो वो अंडे चूजे में बदल जाते। अब आप अकलमंदी से सोचिए जनाब, अंडे चूजे मुर्गी, अंडे चूजे मुर्गी तकरीबन 1,000 के करीब हो जाते। अब आप ही फैसला कीजिए कि 1,000 दिनार मैं इनसे मांग रहा हूँ तो कौन सा गुनाह कर रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुमने।
दरअसल ये फैसला तो कब का हो चुका होता, मगर जब तुम्हारे आदमी मेरे पास आए तो मैं गेहूं उबाल रहा था। और तुम तो जानते ही हो कि उबले हुए गेहूं के बीज से फसल अच्छी होती है। जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं उबले हुए गेहूं के बीज से फसल होती है? भाई जब तुम्हारी भुनी हुई मुर्गियां अंडे दे सकती हैं, चूजे दे सकती हैं, तो भला उबले हुए गेहूं फसल क्यों नहीं दे सकते? हु? क्या बात है, सुभान अल्लाह, आपने तो बातों ही बातों में फैसला कर दिया। क्या बात है बरमकी, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। तुमने ठीक समझा, मैं अपनी दोहरी जिंदगी से परेशान हूँ। क्या मतलब? दरअसल मैं आले मोहम्मद के चाहने वालों में से हूँ, लेकिन खलीफा इस हकीकत से नावाकिफ है, जिस दिन उन पर ये राज आश्कार हो गया वो तो... दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा बरमक्की, या तुम्हें भी इमाम मूसा काजिम अलैह सलाम की तरह असीर करके नजर बंद कर दिया जाएगा। सच कहा बोलोल तुमने, मैं जानता हूँ तुमने इमाम मजलूम की हिदायत पर ही दीवानगी का लबादा ओढ़ रखा है, कुछ मेरी भी रहनुमाई करो कि मैं क्या करूं। इमाम ने जान की हिफाजत की खातिर तकैया जायज किया, लिहाजा तुम्हें यह जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज दिल और जेहन बहुत बेचैन है बहलोल। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहि सलाम के दौरे खिलाफत के कुछ वाक्यात सुनाओ, फजीलत अली सुनकर कल्ब को रूहानी सुकून मिलता है। अली की जात ही कुछ ऐसी है, एक मशहूर वाकया है कि कुछ दुश्मन अली का मजाक उड़ाने की खातिर एक जनाजा उनके पास ले आए और कहा अली इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। अली ने कई मरतबा उन लोगों से पूछा कि क्या वो शख्स की नमाज जनाजा पढ़ा दें, सभी ने कहा हाँ। तभी एक ज़ईफ़ा जो उस जनाजे में आई थी उन्हें बताया गया कि ये उस शख्स की माँ है, उससे भी अली ने पूछा ऐ ज़ईफ़ा क्या तू चाहती है कि मैं तेरे फ़र्ज़ंद की नमाज जनाजा अदा कर दूँ, ज़ईफ़ा ने भी कहा हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अली ने नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज ख़त्म होते ही तमाम लोग हंस पड़े और अली का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि आप तो गैब के हालात जानते हैं तो भला एक जिंदा शख्स की नमाज जनाजा कैसे पढ़ा दी। फिर अली ने मुस्कुरा कर कहा कि ज़रा देख तो ले कि वो शख्स जिंदा है भी या नहीं। दुश्मनान अली ने जब उस शख्स को उठने के लिए कहा तो उसे मुर्दा पाया। फिर उस शख्स की माँ मौला अली के कदमों में गिर पड़ी, रो रो कर फरियाद की और कहा कि कैसे अशरफियों की लालच में उसके बेटे को उन लोगों ने मुर्दा बना दिया। उस शख्स का क्या हुआ जो लाश बन गया था? ज़ईफ़ा की फरियाद सुनकर मौला अली ने उसके बेटे की लाश से कहा कुम्बा इज़नी और वो उठ खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह बोलोल, ज़िक्र अली सुनकर दिल झूमने लगता है। धूम मची है महफिल सजी है, धूम मची है महफिल सजी, सारे वलियों का तू है वली, सारे वलियों का तू है वली, या अली या अली या अली। खिली है दुल्हन बनी है, रात खिली है दुल्हन बनी, सारी दुनिया की महके गली, या अली 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 या अली या अली। तू गवली वलियों का वली, अली तू गवली।
बातें तेरी बातें अंबर अंबर तेरा चर्चा तेरी हर सिमत वाबस्तगी तेरी हर सिमत वाबस्तगी याली सारे वलियों का तू है वली या अली 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 या अली 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 रात खिली है दुल्हन बनी है रात खिली है दुल्हन बनी सारी दुनिया की महके गली मैंने तुम लोगों को एक खास मकसद के तहत यहाँ बुलवाया है। तुम सब ये मानते हो कि बहलोल ने तुम सबको किसी न किसी वक्त पर नुकसान जरूर पहुँचाया। बेशक वो हम सब का दुश्मन है। हाँ, क्यों? हाँ। और वो आगे भी हमारे लिए मुसीबत बना रहेगा। से किसी तरह निजात मिल जाए बस। जीना हराम कर रखा है इस बहलोल ने। हाँ, मैं तुम सबको बहलोल से निजात दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम सबको मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। कैसा रास्ता भाई? कहीं हम सब फंस न जाएं। चुप। फंसने फंसाने की बात करता है। हम सब तैयार हैं। हम जो भाई बिल्कुल तैयार हैं। हाँ। बर्मकी, क्या बात है? आज तुम बेहद उदास दिखाई दे रहे हो। परेशानी की वजह? उफक पर मुहर्रम का चांद नमुदार होते ही सिर्फ जमीन ही नहीं आसमानों में भी रंज गम के साये फैलने लगते हैं। इंसान के अलावा जिन्न मलक भी फर्श अज़ा बिछाते हैं और मज़लूम करबला की शहादत को याद करके अश्क बहाते हैं। मगर मैं ऐसा बदनसीब हूँ जो चाह कर भी मौला हुसैन का मातम नहीं कर सकता। भाई, आप तो जानते हैं कि मैं तकिये में हूं। मायूस होने की जरूरत नहीं है। जान की हिफाजत के लिए तकिया यानी अपनी मजहबी पहचान छुपाना जायज है। यकीन रखो, तुम्हारे आंसू रोजे मैशर में तुम्हारी बख्शीश का जरिया बनेंगे। हम
खदीजा की खिदमत में आदाब अर्ज है। बेवक्त आने का सबब बयान करो। एक बेहद अहम खबर है जिल्ले इलाही। आली जहां की खिदमत में आदाब अर्ज है। बहलोल और जाफर पर मक्की अली और औलाद अली के चाहने वाले हैं। बहलोल ने मूसा काजिम से मिलकर दीवानगी का चोला ओढ़ रखा है जहां पना। वो और बरमक्की साथ मिलकर आपके खिलाफ अवाम को भड़का रहे हैं। इसका सबूत क्या है? सबूत हम साथ लाए हैं आलीजा, इजाजत हो तो पेश करें। इजाजत है। इमामुद्दीन। आप लोग बेखौफ और खतर होकर बताइए कि आप लोग बहलोल और जाफर बरमक्की के बारे में क्या जानते हैं? बहलोल और जाफर बरमक्की आपके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं आलीजा। वो दोनों शहर से दूर सहरा में अपनी फौज तैयार करने में लगे हैं हुजूर। उनका पहला मकसद मूसा काजिम को कैद से आजाद करवाना है और दूसरा मकसद सल्तनत का तख्ता पलट देना है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप लोग जा सकते हैं। आखिरकार बहलोल की दीवानगी का राज जाहिर हो ही गया, मगर जाफर बरमक्की से हमें ये उम्मीद न थी। अब हमारे लिए क्या हुक्म है आलीजा? सिपाहियों को साथ ले जाकर जाफर बरमक्की को वासले जहन्नम कर दो। उसके बाद हम बहलोल से मिलेंगे। आपके हुक्म की तामील होगी आलीजा। बहलोल, बहलोल, बहलोल। कलबला के दश्त में फरजंद जहरा गया। कलबला के दश्त में फरजंद जहरा गया। कलबला के दश्त में फरजंद जहरा गया। अश्को खून कल मुहर्रम का महीना आ गया। कलबला बरमक्की।
آل محمد سے عقیدت رکھنے اور بادشاہ وقت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں خلیفہ ہارون رشید نے تمہارے لیے سزائے موت کا حکم دیا ہے. میں محمد اور آل محمد کا چاہنے والا ضرور ہوں، مگر خدا گواہ ہے میں نے خلیفہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے. میں خلیفہ سے مل کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں. دوزخ کے دروازے پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے برمکی. سپاہیوں، بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کا سر کاٹ کر بغداد کے چوراہے پر لٹکا دو. اللہ سے ڈرو، چھوڑو مجھے، یہ ظلم ہے، ظلم ہے یہ. پروردگار اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیے قاضی صاحب، اتنی صبح صبح آنے کی زحمت کیسے کی؟ سب خیریت تو ہے؟ تمہیں خبر ہے بہلول؟ کس بات کی؟ جعفر برمکی شہید کر دیے گئے ہیں. بہلول، ان کا سر بغداد کے چوراہے پہ لٹکا دیا گیا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خلیفہ ہارون رشید پر تمہاری دیوانگی کا راز ظاہر ہو گیا ہے بہلول. اب اس کی تلوار اور تمہاری گردن کے بیچ فاصلہ بہت کم ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ شاہی فوجیں یہاں تک پہنچے، تم بغداد چھوڑ کر چلے جاؤ بہلول، چلے جاؤ بہلول. لہو میں بھی منظر جدھر دیکھو یزیدی شر، لہو میں بھیگ ہے منظر جدھر دیکھو یزیدی شر، ہر ایک پل کا تلانا ہے الہی دل کو چین آئے، کوئی مثل حسین آئے، مزا جب کا پھرانا ہے. سن لے فریاد میری، زخم روداد میری، سن لے فریاد میری، زخم روداد میری، رحم آگی ہے تو رحیم. رب عظیم، 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 رب عظیم. تو کیا بہلول بغداد چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے؟ وہ رسول اور آل رسول سے بے حد عقیدت رکھتے تھے. بزدلوں کی طرح بغداد چھوڑ کر وہ جا بھی کیسے سکتے تھے؟ وہ سیدھے بادشاہ کے پاس پہنچے. ہارون، ہارون، اس سے پہلے کہ تیرے سپاہی مجھ تک پہنچتے اور میرا سر کاٹ کر بغداد کے کسی چوراہے پر لٹکا دیتے، میں خود چل کر تیرے پاس آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری گردن تیرے سامنے اڑائی جائے ہارون، تاکہ میری موت کے ساتھ تجھے اس سچ کا احساس ہو جائے کہ موت میری نہیں تیری ہوئی ہے، کیونکہ مظلوم کا لہو ظالم سے اس کی زندگی چھین لیتا ہے. موت سے آنکھیں ملانے کا بہت شوق ہے نا تجھے؟ تیری یہ آرزو ضرور پوری ہوگی، مگر اس سے پہلے میں تجھے جینے کا ایک موقع ضرور دوں گا. تیرا جرم معاف کیا جا سکتا ہے، تیری زندگی بخشی جا سکتی ہے، تجھے شاہی منصف کا عہدہ عطا کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے بدلے تجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ موسیٰ قاسم جس اسلام کی بات کرتا ہے وہ اسلام صحیح اسلام نہیں ہے. تجھے موسیٰ قاسم کی موت کا فتویٰ دینا ہوگا. ہارون، امام موسیٰ قاسم سچ کی آواز ہے، اور سچ کی آواز خدا کی آواز ہوتی ہے، جو نہ کبھی دبی ہے نہ دبے گی. ہوتی ہے سچ کی روشنی اس کے بیان میں، اللہ بولتا ہے ولی کی زبان میں. اگر مجھے ہزار بار مار کر زندہ کیا جائے
और ये शर्त दोहराई जाए कि मुझे इमाम मूसा काजिम अलैह सलाम की मौत का फतवा देना होगा, तो मैं हर बार ऐसी जिंदगी को ठोकर मारता रहूंगा। तो फिर वासले जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ सिपाहियों। हारून, मैं अपने खालिक हकीकी के पास जाने से पहले तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तू जरा अपने बारे में सोच, क्या तू हमेशा यहाँ रहने के लिए आया है? एक दिन तुझे भी इस दारे फानी से वापस जाना है और उस मालिक को मुंह दिखाना है। ऐसा नहीं है हारून कि तख्त शाही पे बैठने वालों को मौत नहीं आती। ये शाही महल और ऐशो इशरत की जिंदगी एक दिन तुझसे भी छीन ली जाएगी हारून। खुदा रहमान और रहीम है, अपनी हकीकत को पहचान और अपने गुनाहों से तौबा करके इमाम मूसा काजिम अलैह सलाम को रिहा कर दे। मुझे रब कायनात पर यकीन है कि वो तुझे जरूर माफ कर देगा। अब अपने सिपाहियों को हुक्म दे कि मुझे कत्ल कर दें। बहलोल, तुम जा सकते हो। अलीजान, अगर आप इजाजत दें तो महल के बाहर ही इनका काम तमाम कर दिया जाए। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जहां पना, वो वाकई हक पर है, उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं है। आपने ठीक कहा मलिका, उसे मौत नहीं मार सकती। उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं है। गलत शायद हम ही हैं। और इस तरह बच्चों, बहलोल बगैर तलवार किए जंग जीत गए और बादशाह चाहकर भी उन्हें कत्ल नहीं कर पाया। यही है इस्लाम की सच्ची तस्वीर। दाना 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 बहलोल दाना, दाना 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 बहलोल दाना। तुम